फैटी एसिड की ब्रेकडाउन के बाद, बीटा ऑक्सीडेशन के बाद, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ऑड चेन फैटी एसिड्स। द फैटी एसिड विच आर इम्पोर्टेंट इन ह्यूमन मेटाबोलिज्म आर मोस्टली दोज विच हैव एन इवन नंबर ऑफ कार्बन। इवन नंबर ऑफ कार्बन, जैसे हमने पीछे बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ी थी पामिटिक एसिड की, वो 16 कार्बन स्ट्रक्चर था, वो इवन इन नंबर था। बट देर आर सम फैटी एसिड विच हैव ऑड नंबर ऑफ कार्बन। इन दिस केस ऑक्सीडेशन एंड सक्सेसिव बीटा कार्बन एटम कंटिन्यू ईच साइकिल प्रोड्यूसिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए। फाइनली अ 3 कार्बन फ्रेगमेंट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोपिनाइल कोए विच इज कन्वर्टेड टू सक्सिनाइल कोए बाय द फॉलोइंग सीक्वेंस। जब हमने पामिटिक एसिड की बात की थी, वो 16 कार्बन था और 7 राउंड के बाद उसमें हमारे पास 8 एसिटाइल कोए बन गए थे। ठीक है, एसिटाइल कोए जो है वो 2 कार्बन स्ट्रक्चर है। लेकिन जब हम इवन ऑड कार्बन्स की बात करते हैं, आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल 17, तो उसी तरह सक्सेसिवली एसिटाइल कोए की फॉर्म में जो है वो ब्रेक डाउन होती रहती है फैटी एसिड की। लेकिन लास्ट में जो एंड पे स्ट्रक्चर बचता है वो 3 कार्बन स्ट्रक्चर बचता है, जिसे हम कहते हैं प्रोपियोनाइल कोए। तो ये प्रोपियोनाइल कोए को फिर हम किस तरह, इसके फेट्स क्या हैं और हम इसे किस तरह एनर्जी लेते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल कोए जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कन्वर्ट होके एनर्जी देता है। लेकिन प्रोपियोनाइल कोए के केस में क्या होता है, जब हमारे पास 3 कार्बन फ्रेगमेंट रह जाता है, तो जो प्रोपियोनाइल कोए है वो कन्वर्ट होता है डी मिथाइल मेलोनिल कोए। उसमें प्रोपियोनाइल में हम कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एक कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो ऐड करते हैं और जो उसको कन्वर्ट करते हैं हम प्रोपियोनाइल कोए को डी मिथाइल मेनोनिल कोए। इसमें जो हमारे पास एंजाइम यूज़ होता है उसे हम कहते हैं प्रोपियोनाइल कोए कार्बोक्सिलेज, और ये बायोटिन डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। जब डी मिथाइल मेलोनिल कोए बन जाता है तो फिर वो अपने एपिमर में कन्वर्ट होता है एल मिथाइल मेलोनिल कोए बाय द एंजाइम एपिमरेज। एल मिथाइल मेलोनिल कोए जो है फिर वो सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम म्यूटेज, और उस म्यूटेज एंजाइम को विटामिन B12 एज एन को एंजाइम रिक्वायर होता है। ठीक है, जब हमारे पास सक्सिनाइल कोए बन जाता है, तो जो सक्सिनाइल कोए है ये इंटरमीडिएट है सिट्रिक एसिड साइकिल का। तो ये जो सक्सिनाइल कोए या तो सिट्रिक एसिड साइकिल में जाके ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी देता है, या ये फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्पफुल होता है, जैसे मैंने आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस में सक्सिनाइल कोए का भी एक स्टेप बताया था। ठीक है, या फिर ये सिंथेसिस करता है पोरफायरिंस की। तो इस तरह जो ओड नंबर हमारे पास कार्बन फैटी एसिड चेन होती है उसको हम यूटिलाइज करते हैं। जब तक वो 2 कार्बन स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाते हैं एसिटाइल कोए बनता रहता है, लेकिन लास्ट में एक 3 कार्बन स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं प्रोपियोनाइल कोए, और उस प्रोपियोनाइल कोए को हम किस तरह यूटिलाइज करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें हमारे पास मोनो अनसेचुरेटेड और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड आते हैं, मतलब जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। जो पामिटिक एसिड था या ऑड चेन था वो अनसेचुरेटेड था, वो सेचुरेटेड फैटी एसिड थे जिनमें नो डबल बॉन्ड था। अब ये जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है जिनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं, उनकी कैसे ऑक्सीडेशन होती है वो इसमें एक्सप्लेन करती हूँ। ह्यूमन बॉडी में जो ऑलमोस्ट 50% जो है वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोनो एंड पॉली अनसेचुरेटेड। उनकी बीटा ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास 2 मेन पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं, कि जितने भी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हैं उनकी एक तो जो बॉन्ड है वो ट्रांस फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, सिस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नेचुरली जितनी भी फैटी एसिड में डबल बॉन्ड होते हैं वो सिस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनको पहले ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर डबल बॉन्ड जो है वो रॉन्ग पोजीशन पे अवेलेबल है तो हमें उस चीज़ को ओवरकम करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले आपको अगर मैं पामिटोलिएट की एग्जांपल दूँ, तो ये एक 16 कार्बन मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है जिसमें एक डबल बॉन्ड है एक कार्बन नंबर 9 पे। ठीक है, सक्सेसिवली ऐसे ही बीटा ऑक्सीडेशन स्टार्ट होती जाएगी अनटिल और अनलेस जब हमारे पास डबल बॉन्ड वाला कार्बन ना आ जाए। ठीक है, एसिटाइल कोए रिलीज होते जाएंगे। ठीक है, और साइकिल चलता जाएगा अनटिल और अनलेस जब हमारे पास 10 कार्बन पीछे नहीं रह जाते और जो डबल बॉन्ड था वो 9 पोजीशन से शिफ्ट होकर 3 पोजीशन पे नहीं आ जाता। अब जो 3 और 2 के कार्बन के दरमियान सिस
बॉन्ड प्रेजेंट है उसको हमने कन्वर्ट करना है ट्रांसफॉर्म में ताकि उसकी बीटा ऑक्सीडेशन हो सके। तो फिर जब वहाँ पे आके एक इंजाइम ऐड होता है जिसे हम कहते हैं आइसोमेरेज इंजाइम। आइसोमेरेज इंजाइम क्या करता है, जो कार्बन नंबर 2 और 3 पे सिस फॉर्म में प्रेजेंट थी डबल बॉन्ड, वो ट्रांसफॉर्म में प्रेजेंट आ जाती है। ठीक है, जब वो ट्रांसफॉर्म में प्रेजेंट आ जाती है तो फिर नॉर्मली उस तरह ही बीटा ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है, सिर्फ एक स्टेप ऐड होता है। ठीक है, पहले सक्सेसिवली जो 16 कार्बन थे उनकी ब्रेकडाउन होती रहती है अनटिल और अनलेस 10 कार्बन तक हम ना पहुंच जाए। जब हम 10th कार्बन पे पहुंचते हैं उसकी ब्रेकडाउन होने लगती है बीटा ऑक्सीडेशन में, तो जो 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड था उसको ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, उस ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम आइसोमेरेज एंजाइम यूज़ करते हैं जो सिस फॉर्म को ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और जो हमारे पास दोबारा से उसी तरह फिर साइकिल चलता रहता है, बीटा ऑक्सीडेशन हो जाती है और सारी जो मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिनमें मोर देन 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसी तरह जिस तरह हमने मोनोअनसैचुरेटेड की बात की है, हम पॉलीअनसैचुरेटेड में भी सिस फॉर्म वालों को ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और अगर डबल बॉन्ड रॉन्ग पोजिशन पर अवेलेबल है तो उसको राइट पोजिशन पर कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए जो एग्जांपल है वो है लिनोइल कोए की। लिनोइल कोए जो है वो 18 कार्बन स्ट्रक्चर है जिसमें डबल बॉन्ड एक 9 पोजीशन पे अवेलेबल है, एक 12 पोजीशन पे अवेलेबल है। इसी तरह बीटा ऑक्सीडेशन स्टार्ट होती रहती है अंटिल और अनलेस हमारे पास 12 कार्बन नहीं बचते। जब 12 कार्बन बचते हैं तो जो 9 वाला डबल बॉन्ड था वो 3 पोजीशन पे आ जाता है और 12 वाला आ जाता है 6 पोजीशन पे। ठीक है, अब जो 3 वाला सिस फॉर्म थी उस पर हम आइसोमेरेज एंजाइम एक्ट करवाते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं ट्रांसफॉर्म में, 6 वाले को उसी तरह रहने देते हैं, फिर से साइकिल उसी तरह स्टार्ट होता है। और जब हमारे पास 10 कार्बन बच जाते हैं तो जो हमारे पास 6 वाला था जो हमारे पास 3 वाला था वो 2 पे आ जाता है, और जो 12 जो हमारे पास 6 वाला था वो 4 पे आ जाता है। ठीक है, फिर जो 4 वाला था और 2 वाला था उनको हम सही पोजीशन पे लाने के लिए हम डायन्यूअल रिडक्टेज एंजाइम ऐड कराते हैं, और उसमें हम हाइड्रोजन एटम ऐड करते हैं। जब हम उसमें हाइड्रोजन एटम ऐड करते हैं तो जो ट्रांस वाला 3 कार्बन वाला बॉन्ड था वो 2 पे शिफ्ट हो जाता है। जब वो 2 पे शिफ्ट हो जाता है तो फिर से उसी तरह बीटा ऑक्सीडेशन स्टार्ट होती है, और दो दो जो करके कार्बन जो है वो सेपरेट होते रहते हैं, और हमारा जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मोनो और पॉलीअनसैचुरेटेड की बात एक ही है कि जो डबल बॉन्ड है वो एक पोजिशन आफ्टर 2 कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एसिटाइल को है जो वो 2 कार्बन है तो वो 2-2 करके सेपरेट होता है। अगर 3 कार्बन सेपरेट होगा तो फिर जो बीटा ऑक्सीडेशन है वो ठीक से नहीं हो पाएगी। तो एक तो हमारा जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट होना चाहिए, दूसरा जो वो ट्रांसफॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको पामेटिक एसिड की ऑक्सीडेशन बताई थी नॉर्मली उसी तरह ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन सिर्फ जब हमारे पास सिस फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफॉर्म में एक हम आइसोमेरेज एंजाइम यूज़ करते हैं ताकि वो सिस फॉर्म को ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर दे, और दूसरा अगर हमारे पास डबल बॉन्ड जो है वो 2 कार्बन सक्सेसिव कार्बन पे अवेलेबल नहीं है तो उसको फिर हम सेकंड कार्बन पे लाते हैं। उसके लिए हम रिडक्टेज एंजाइम यूज़ करते हैं, वो हाइड्रोजन एटम इंट्रोड्यूस कराता है, डबल बॉन्ड को रिमूव कराता है और शिफ्ट कराता है कार्बन नंबर 2 पे, और फिर हम 2-2 करके उसकी ऑक्सीडेशन करते रहते हैं और एसिटाइल कोए सेपरेट होते रहते हैं, और इस तरह हम एनर्जी गेन करते हैं एटीपी के फॉर्म में। मोस्टली मैंने आपको बताया था कि जितनी भी ऑक्सीडेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, लेकिन सम ऑफ द अमीनो एसिड जो कि वेरी लॉन्ग चेन है जिनकी कार्बन नंबर 26 से ज़्यादा है, या जो ब्रांच चेन है उनकी जो ऑक्सीडेशन है वो प्रोक्सीजोम्स में होती है। अब जो प्रोक्सीजोम्स में हो रही है बीटा ऑक्सीडेशन डिफर करती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की नॉर्मल बीटा ऑक्सीडेशन से। डिफर कहाँ करती है कि जो हम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से FAD से FADH2 बनाते थे माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वो जो ऑक्सीजन आयन रिलीज होते थे वो जाके हमारे पास वाटर बनाते थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, लेकिन इन केस ऑफ परोक्सीजोम ये हाइड्रोजन परोक्साइड बनाते हैं, क्योंकि परोक्सीजोम्स में कैटलेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि हाइड्रोजन परोक्साइड को कन्वर्ट करते हैं वाटर और ऑक्सीजन में। ठीक है,
ठीक है, क्योंकि जो परोक्सीसोम्स हैं उनकी रेस्पिरेटरी चेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में की तरह की नहीं होती, ठीक है, उनमें नहीं होती, और इसकी वजह से जो हमारे पास NADH और एसिटाइलकोए प्रोड्यूस होते हैं फर्स्ट परोक्सीसोम्स में, पहले वो साइटोसोल में जाते हैं, साइटोसोल में जाके फिर वो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में जहाँ पे उनकी नॉर्मल बीटा ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। पहले उनकी जो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड हैं उनको वो थोड़ा शॉर्ट में कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा शॉर्ट में कन्वर्ट, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 26 कार्बन स्ट्रक्चर है तो पहले उसकी बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो परोक्सीसोम्स में होगी। परोक्सीसोम्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बाइंड करके हाइड्रोजन परोक्साइड बनाएंगे जिन्हें कैटालेज एंजाइम ब्रेक करेंगे, ठीक है, और वाटर और ऑक्सीजन बनाएंगे। तो से अगर वो जो 26 कार्बन है 16 में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो 16 में कन्वर्ट होकर फिर साइटोसोल में आता है, साइटोसोल से जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और फिर नॉर्मल बीटा ऑक्सीडेशन होती है। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए या परोक्सीसोम्स की म्यूटेशन हो जाए या उसकी प्रोटीन्स ठीक से ना बनी हो, कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो, तो ज़िलेंजर सिंड्रोम और एड्रिनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी सिंड्रोम जो हैं वो होते हैं, जो कि लीथल होते हैं, और ये मसल, लीवर, किडनी और नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं।